और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार के, जय बालाजी महाराज के, पावन नवरात्रों की माता के सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। बताता चलो, जैसे मैंने आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताया था, 4 बजे करेक्ट बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार चालू हो जाएगा। जी हाँ, जो कि 4 बज गए हैं, आपका दिव्य दरबार अभी भी चालू नहीं हुआ है। जैसे बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल के माध्यम से 4 बजे आपने 10 बजे का टाइम देखा था, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बज गए, मगर दिव्य दरबार नहीं लगा है। मित्रों, कब लगेगा दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार का? बड़े ही आश्चर्यचकित की बात है। और पंडाल के अंदर लाखों लोग श्रद्धालु, जी हाँ, दिव्य दरबार के आस में और कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। गुजरात में बागेश्वर धाम सरकार का आने का कोई भी अभी सहारा या नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी। जब बागेश्वर धाम सरकार के आगमन होगा, जी हाँ, कथा पंडाल में, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो दे दी जाएगी। अभी और अपडेट ले लेता हूँ, क्या 4 बजे आज दिव्य दरबार लगेगा ना लगेगा, और मैं जानकारी ले लेता हूँ बागेश्वर धाम सरकार की। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, तो मैं और जानकारी ले लेता हूँ गुजरात से सीधी बागेश्वर धाम सरकार से।